दोस्तों भाईजान, सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई, ये 2020 की मोस्ट वांटेड फिल्म रही है। पर अब ऐसे देखने में आ रहा है कि 2021 में भाईजान की फिल्म जो है वो सबसे पहली फिल्म होने वाली है जो थिएटर्स में लगने वाली है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि राधे इस फिल्म का जो टीजर है, टीजर ट्रेलर जो है वो शायद इस दिन पर आउट हो सकता है। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशुल का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, राधे और मोस्ट वांटेड भाई की जो स्टार कास्ट है यानी दिशा पाटनी और रणदीप हुड्डा हाल ही में वीकेंड के वार में बिग बॉस में आए थे, जहां पर उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन भी किया है। और ये तब भी होता है जब फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली होती है। तो अब ये फिल्म जो है राधे और मोस्ट वांटेड भाई, ये ईद पर रिलीज होने वाली है यानी लगभग 24 मई के आसपास ये फिल्म रिलीज होने का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। अब 14th of February यानी वैलेंटाइंस डे करीब आ रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कि फिल्म का जो टीजर ट्रेलर है वो 14th को आउट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों भाईजान सलमान खान जो है वो टाइगर 3 की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे। तो शायद ये जो एक छोटा सा तोहफा है 14 को, वो अपने फैंस को देकर ही इस्तांबुल के लिए रवाना हो सकते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है और आप कितने एक्साइटेड है भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर, टीजर और फिर फाइनली फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।